हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज इंग्लिश फील्ड एज यू ऑल नो दैट कै वी प्रिपेयर फॉर टी जी टी पी जी टी एल्टी ग्रेड फॉर इंग्लिश लिटरेचर और आज का जो हमारा वीडियो है वो अगेन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एज यू ऑल नो कि हम जितना भी आपका सिलेबस है और एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट्स हैं वो कवर कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू और पूरा सिलेबस पूरी सीरीज इस पर अपलोड हो रही है अगर आप चाहें डेली दो वीडियो आते हैं बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्टअप दे सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी एक सीट आप अच्छे से वहां पे फिक्स कर सकते हैं कि हाँ मुझे अब की बार अपना टारगेट कंप्लीट करना है आज के वीडियो में हम विलियम लेक्स का तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्स वर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज पोएट ऑफ वो आपको सबको पता है कि वो एक नेचर पोएट थे ठीक है नेचर लविंग थे तो लेक डिस्ट्रिक्ट उनको बोला जाता है लेक लेक भी बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट द राइट आंसर सी राइट आंसर इज कॉकर माउथ दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप बोलते हो ना बायोग्राफी बायोग्राफी सबको बायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है येस बायोग्राफी इज इंपॉर्टेंट टीजीटी के लिए स्पेशली टी टाइगर वाला तो टीजीटी में ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है और ये जो मोस्टली क्वेश्चन हैं इसी टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो अगर आप क्वेश्चन सीरीज भी अच्छे से फॉलो करते हैं तो ईजीली आप आंसर दे सकते हैं और एक चीज मैं भूल गई थी अपनी पेन और कॉपी जरूर लेके बैठिए साथ के साथ आप अपने भी आंसर्स अपनी वर्कशीट में रजिस्टर करते जाइए सो दैट बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है कितना स्कोर आपने किया एंड आपको नेक्स्ट कैसे प्रिपेयर करना है राइट right? रोमांटिक so, be इस टाइम पे सेवेंटीन नाइनटी एट में ही रोमांटिक मूवमेंट क्यों बोला जाता है लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज रोमांटिक एज को और क्या बोला जाता है एज ऑफ ड्राइडन एजेस का पॉइंट मैंने आपको बताया है जो मेरा वीडियो है हाउ टू स्टडी मींस हाउ टू प्रिपेयर स्टेप बाय स्टेप व्हाट यू हैव टू स्टडी इन लिटरेचर जो की पॉइंट्स हैं उनमें एजेस हैं तो एजेस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा अगर आप बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो दे दूंगी जिसमें पूरी लिस्ट होगी और आपके सारे आंसर्स एक बार में प्रिपेयर हो जाएंगे नेक्स्ट आफ्टर होम वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड किसके बाद में वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था तो पहले रॉबर्ट सऊदे बने थे राइट right, इस लिस्ट में से तो रॉबर्ट सऊदे को पहले आ, पहले रॉबर्ट सऊदे इसमें पोएट लॉरियट बने थे हु क्रिटिसाइज वर्ट्स वर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर ठीक है क्रिटिसाइज भी जरूर किया जाता है सारे ही राइटर्स और पोएट्स को तो किसने बोला था लॉस्ट लीडर ब्राउनिंग ने और ये आपको क्रिटिसिज्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है ऐसे तो बहुत सारे क्रिटिकल कमेंट्स हैं लेकिन जो बहुत मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल कमेंट्स हैं उनको स्टडी करना ज़रूरी है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी कुछ राइटर्स के क्रिटिसिज्म अपलोड कर करे हुए हैं क्रिटिकल कमेंट्स उनको ज़रूर आप स्टडी कर लीजिएगा दो ज़्यादा द सेलेक्टेड वंस नेक्स्ट वर्ड्स वो एडेड प्री फेस टू द लिरिकल बैलेट्स इन द ईयर बी एटीन हंड्रेड इसको स्टार मार्क कर लीजिए लिरिकल बैलेट से बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रेम होते हैं आप स्क्रीन शॉट लेके भी रख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है इसी टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक से दो मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आपका आ जाता है हु इज द स्टर्न डॉटर स्टर्न डॉटर कौन है ड्यूटी वट वॉज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज माइकल्स कॉटेज का और क्या नाम था इवनिंग स्टार अच्छे से अगर आपने किया तो आप सबको पता है ये मॉर्निंग इवनिंग में कंफ्यूज मत होइएगा इट इज़ इवनिंग स्टार वर्ड्स वर्थ प्रिल्यूड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ विलियम वर्ड्स ठीक है इससे क्वेश्चन हमेशा आता है प्रिल्यूड से आंसर इज ए ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है प्रिल्यूड का वीडियो मैं आपको लिंक में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी लिंक उसको आप जरूर स्टडी कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स उसमें कवर्ड हैं एक ही वीडियो में और इजीली आपको uh, फिर आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे Wordsworth wrote a sonnet London eighteen zero two on ठीक है किसके लिए ये लिखा था उन्होंने बहुत ही अच्छा sonnet है और important भी है questions आते हैं इसमें से B Milton whom does Wordsworth refer to in these lines thy soul was like a star and dwelt apart very important line B Milton दाई सोल उनकी सोल मिल्टन की सोल जो क्या थी वॉज लाइक अ स्टार तो ये उन्होंने उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे विलियम वर्ड के बायोग्राफी अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो तो आपको पता होगा ये चीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वॉज रिटन अंडर द टाइटल ठीक है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो पोएम है वो किस टाइटल के अंडर आती है किस टा, आ, टाइटल में लिखी गई थी द लीच गैदर लीच काीच इज अ काइंड ऑफ फ्रूट और बहुत ही अच्छी पोएम है ये नो नेक्स्ट इन विच पोएम बोन्स एंड चार्टो टन आर मैं इंडिपेंडेंस द लाइन मिल्टन दाओ शुड नॉट बी लिविंग एट दिस आर स्ट्रेक इन फ्रॉम ये कहाँ से ली गई है राइट सो टू मिल्टन सॉरी टू मिल्टन लंडन एटीन जीरो टू अच्छा आप जो इम्पॉर्टेंट वर्क है थोड़ा सी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं वर्ड्सवर्थ के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क हैं एज यू ऑल नो बहुत सारे हैं तो हर वर्क के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको स्टडी करने हैं और टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं अगर उनका वीडियो आप देखना चाहते हैं सेपरेट सेपरेट सारे वर्क्स का क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है एज़ फार एज़ पॉसिबल एंड एज सून एज पॉसिबल तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा फिर वो सारे विडियोज भी अपलोड कर दिए जाएंगे अगर जरूरत है आपको तो हु इज़ नॉर कैन बी एनी एनीशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कॉम्पोजिशन वॉट इज द राइट आंसर मेट्रिकल कॉम्पोजिशन सो द राइट आंसर इज वर्ड द कम्पलीट टाइटल ऑफ द पोईम टिंटन एवे लाइन्स कम्पोज अब इसका जो कम्प्लीट टाइटल था टन एवे का कई बार टाइटल से भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए लाइन्स कम्पोज अबे ऑन री विजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वे ड्यूरिंग टूर जुलाई थर्टीन सेवनटीन नाइन रीविजिटेडी एट डिड यून एवे फर्स्ट टाइम तो करेक्ट आंसर इज 1793 नाइन्टी थ्री ओके वेन डिड यू विजिट टिंटन नवे फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट टाइम वो सेवनटीन नाइन्टी थ्री में उन्होंने विजिट किया था और आफ्टर फाइव ईयर्स फिर से उन्होंने सेम प्लेस पर टिंटरबे को विजिट किया जहाँ पर उनको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले इसका पूरा टेक्स्ट देखिए वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इससे और दूसरी चीज ये कि इसका जो टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो अगर आप चाहते हो क्योंकि इसमें से कोटेशंस भी पूछी जाती हैं तो टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा आई प्रोवाइडेड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसको एक बार एक से दो बार आप देख लेंगे तो आपको एक थीम समझ में आ जाएगी पूरा सिनारी कि किससे रिलेटेड है तो कोटेशंस को ट्रेस करने में आपको आसानी होगी बिकॉज यू ऑल्सो नो कि सारी कोटेशंस को रटना पॉसिबल नहीं है उसका सिर्फ एक ही तरीका है दैट इज द कंसेप्ट एंड थीम इफ़ यू नो अबाउट दैट इफ़ यू हैव द इंट्रोडक्शन देन यू विल भी एबल टू ट्रेस द कोटेशंस राइट तो वो आप देख लीजिएगा इम्पॉर्टेंट है बार बार मैं बोल रही हूँ और वे एक रिवर थी तो उन्होंने जब दोबारा से विजिट किया तो चाइल्डहुड और उनके मेचोरिटी एज दोनों में क्या डिफरेंस उनको मिला क्योंकि पहले भी वो नेचर लविंग थे बाद में भी नेचर लविंग थे बट वॉज गॉट अ डिफरेंस बिटवीन दिन दैट डिस्टेंस ऑफ फाइव ईयर्स सो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैट दैट इज रिमार्केबल तो वो चीज आपको देखनी है और इनसे इन सारे पॉइंट में से मीन क्वेश्चन आते ही आते हैं हुसने बोला तो इनको बोला था शैली ने नाव नेक्स्ट क्वेश्चन हु क्रिटिसाइज वर्ड्स वर्थ फॉर नॉट फॉलोइंगज ओन थ्योरी ऑफ पोएट्री खुद की थ्योरी को uh, uh, फॉलो करने के लिए आप कह सकते हैं uh, किसने वो uh, बोला कि उन्होंने नहीं फॉलो की अपनी ही थियोरी वो थे टी एस एलियट विथ सोनेट ऑफ ग्रे वर्थ इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स एटीन जीरो टू एडिशन आपको पता है इसके अलग अलग एडिशन आए थे सो बी इज द राइट आंसर ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट सेवनटीन फोर्टी टू राइट मिस्टर रिचर्ड वेस्ट तो ये आपको ध्यान रखना है अब देखिए इसमें अलग अलग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके दे दिया है इन्होंने सो बी इज़ द राइट आंसर द लिरिकल बैलेट्स वो बेटर अप्रिशिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड दिस इज द फैक्ट इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ वो ज़्यादा फेमस हुए अमेरिका में या फिर इंग्लैंड में द फर्स्ट एडिशन पब्लिश इन अमेरिका इन ईयर डी अट्ठारह सौ तो ये आपको पता होना चाहिए लिरिकल बैलेड एज ऑलरेडी आई इम्पॉर्टेंट पार्ट टू स्टडी ये टी जी टी टू थाउजेंड वन में आ भी चुका है क्वेश्चन सो दीज वर द सम ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू शुड स्टडी एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर गुड प्रिपरेशन अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो इसी तरीके से जितनी भी सीरीज आ रही है क्वेश्चन की इस वर्ड शोध की भी अलग अलग पार्ट्स हैं तो वो आप जरूर देखिए और उससे आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्टअप मिलेगा एक कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड इवन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द पेपर दैट हाउ एंड फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन आर गोइंग टू फ्रेम थैंक यू सो फ्रेंड्स दिस वॉज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के हमारे लेक्चर में थे आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें तो जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दीजिए बिकॉज इट गिवस एनकरेजमेंट टू अपलोड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज फॉर यू ऑल कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग सिलेबस और एनी कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड थ्रू दैट यू कैन इंटरेक्ट विद मी अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बिकॉज सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन को हिट करने से जितने भी नए इस पर वीडियोज़ अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँच जाएगा आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो भी वो नोटिफिकेशन आपको रिमाइंड कर देगा कि आपको तैयारी करनी है अगर आप इस चैनल के थ्रू जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा उसको ज्वाइन करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी वाइज वहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है डेली एक न्यू टास्क के साथ न्यू टॉपिक के साथ में प्रैक्टिस सेट्स के साथ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं एंड इवन यू कैन परचेज हैंड रिटन नोट्स उसको भी आप इसी नंबर के थ्रू परचेज कर सकते हैं यू विल गेट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग ऑल द सीरीज़ थैंक यू